नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलना आप लोगों को बहुत ज़रूरी हो गया है। सभी VLE, सभी CSE जो चला रहे हैं उसके लिए इंडसइंड बैंक खोलना अनिवार्य है। तो ये मेल आप चेक कर लिए एक बार कि सभी को ये मेल आ रहा है। तो चलिए दिखा देते हैं एक बार। सबसे पहले गूगल में आप जाइएगा, वहाँ टाइप कीजिएगा CSE रजिस्टर, देखिए ओके कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर होम लिखा है, होम CSE, इसमें जाइएगा आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऊपर करेंट अकाउंट, यहाँ पर आपको अप्लाई में क्लिक कर देना है। देखिए इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिए VLE कैन ओपन जीरो बैलेंस, यहाँ पर दिया हुआ है आप जीरो बैलेंस में इस अकाउंट को खोल सकते हैं। जबकि और भी करेंट अकाउंट खोलने के लिए उसमें आपको 5,000 10,000 मिनिमम रखना पड़ता है, पर इंडसइंड बैंक में आपको जीरो अकाउंट से आपका खुलेगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर देखिए जीरो बैलेंस से खुलेगा, और इसमें DigiPay में जो आप पैसा विड्रॉल करते हैं वो आपका बैंक अकाउंट में 1 या 2 दिन या 4 दिन में ऐड होता है, लेकिन इसमें आपको सेम डे ऐड हो जाएगा। अगर ये आपका आपका घर या आपका सेंटर से या बैंक बहुत दूर है तो आपको ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उससे आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग करके आप अपना इस इंडसइंड बैंक के अकाउंट का सारा पैसा आप दूसरे बैंक जो नज़दीक में जो बैंक है वहाँ पर ट्रांसफ़र करके आप वहाँ से कैश निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप ये सभी कोई इंडसइंड बैंक में आप अपना रजिस्टर कर लें और अकाउंट खोल लें। तो आपको अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आधार नंबर डालें, उसका फिंगरप्रिंट, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। तो आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलना है। तो अगला वीडियो आप देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।